आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो वरुण, आज का हमारा क्वेश्चन है, निषेचन झिल्ली का गठन किया जाता है। हमारे पास चार ऑप्शन है। सबसे पहला है शुक्राणु के प्रवेश की सुविधा, दूसरा है शुक्राणु को स्थिरता प्रदान करना, तीसरा है मोनोस्पर्म को रोकना, चौथा है पॉलीस्पर्म को रोकना। तो क्या होता है निषेचन झिल्ली समझते हैं, ठीक है। उससे पहले निषेचन समझ लेते हैं। निषेचन का मतलब होता है शुक्राणु और अंडाणु का मिलना। तो मान लो ये क्या है, एक अंडाणु है ये, ठीक है। ये क्या है, एक अंडाणु है, ठीक। तो इसमें क्या हुआ, जब यहाँ पे मान लो कोई शुक्राणु आया, ठीक है, और अंदर चला गया, ठीक। तो इसको कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं, निषेचन। तो जब निषेचन हो जाता है, ठीक है, निषेचन होने के बाद क्या हुआ, इस अंडाणु में क्या हुआ, कोशिकीय परिवर्तन हुआ। क्या हुआ, कोशिकीय परिवर्तन। क्या करने के लिए, जो निषेचन हुआ है इसको नष्ट ना होने से बचने के लिए, ठीक है। मतलब ये नष्ट हो जाता है बाहरी कारणों से, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, ये कोशिका क्या करती है, बाहरी कारणों को रोकने के लिए, जिससे क्या हो, ये पूरी तरह से नष्ट ना हो, एक आवरण का निर्माण होता है। क्या होता है, एक आवरण का निर्माण होता है इस कोशिका के चारों तरफ, ठीक है। ऐसे कोशिका का आवरण निर्माण हो जाता है यहाँ पे, ठीक। क्या होता है, एक आवरण बन जाता है, इसी को कह देते हैं, ठीक है। क्या बोल देते हैं, इसी आवरण को बोलते हैं निषेचन झिल्ली, ठीक है, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। तो ये जो झिल्ली है, यानी ये जो आवरण बनता है, ये किसके लिए बनता है, क्योंकि पहले से एक इसमें स्पर्म जा चुका है, यानी शुक्राणु जा चुका है, तो ये फिर से कोई दूसरा स्पर्म ना आए, ठीक है, यानी शुक्राणु ना आए, ठीक है, और कोशिका यानी अंडाणु के केंद्रक में ना जाए, इसीलिए ये झिल्ली बनती है। तो मतलब ये क्या, किसको रोकती है, पॉलीस्पर्मी को। मतलब एक से ज्यादा शुक्राणु कोशिका के अंदर ना जाए, इस क्रिया को ये निषेचन झिल्ली रोकती है, ठीक है। क्योंकि एक अंडे से सिर्फ एक शुक्राणु, ठीक है, अंदर जाता है, जिससे क्या बनता है, जाइगोट, और फिर बाद में भ्रूण बनता है, ठीक है, जिससे शिशु उत्पन्न होता है। तो ये जो निषेचन झिल्ली है किसको रोकती है, पॉलीस्पर्मी को रोकती है, मतलब कोशिकीय परिवर्तन है, ठीक। तो देख लेते कौन सा ऑप्शन सही है। सबसे पहला शुक्राणु में शुक्राणु के प्रवेश की सुविधा, तो ये सुविधा को नहीं रोकता है। दूसरा है शुक्राणु को स्थिरता प्रदान करना, नहीं, शुक्राणु को रोकना होता है। मोनोस्पर्म को रोकना, तो मोनोस्पर्म मतलब मोनोस्पर्म का मतलब एक शुक्राणु, तो एक शुक्राणु जा चुका है, ये एक को नहीं रोकता है सब, मतलब जो एक के बाद फिर दूसरे आते हैं उनको रोकता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। चौथा है पॉलीस्पर्म को रोकना, यही है, एक से ज्यादा शुक्राणु को ये रोकता है, मतलब एक को जाने देता है, एक को जाने का देता है, ये एक जाने के बाद ये बनता है। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, फोर्थ होगा, बाकी फर्स्ट और सेकंड थर्ड गलत हो जाएगा। कक्षा छठी से बारहवीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।